का निकल गया है क्या दौड़ो सेवक। दिन था इसलिए इतना ज्यादा टाइम लगा है। अपना आर 15 उठा लिया है, आज आप लोगों को डाइट भी दिखा दिया। आर 1 अभी बार बार एक्सरसाइज कर रहा है, ये भैंसिया बार बार आ जा रही है। जय हिंद एवरीवन। जितने लोग का हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है ना, तो फिर सोचना क्या यार, आज के ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना। आप लोग जिस तरह से जी जान लगाकर इंडियन आर्मी रिटर्न का तैयारी कर रहे थे, उसी तरह से जी जान लगाकर दौड़ का भी तैयारी करना है, और मैं भी आज से अपना दौड़ चालू कर रहा हूँ। अभी हो सकता है आज आप लोग को अपना टाइमिंग भी दिखाऊंगा, आज का टाइमिंग देख लेना, और जब भर्ती का डेट नज़दीक आ जाएगा उस दिन का टाइमिंग आप लोग देखना। जो कुछ भी होगा मैं आप लोग को सारी चीज़ें दिखाने का कोशिश करूँगा, और ये दिखाने का मेरा बस एक ही मकसद है कि जितने लोग भी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं उन लोगों के लाइफ में किस किस तरह से परेशानी आती है, वो लोग कैसे फैमिली के रहते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे युवा फौज की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारी परेशानियों से लड़ रहे हैं, तो उन लोगों का मनोबल टूट जाता है, लेकिन जब एक दूसरे को देखते हैं ना तो ऐसा लगता है यार अगला बंदा तो अभी लगा है, उसके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, जब वो नहीं रुक रहा है तो मैं क्यों रुकूँ। इनकी शुरुआत हो गई है और देखो खेतों में ट्रैक्टर भी आने लगे हैं, अभी अपना खेत भी जोताने लगा है। इधर हरियाली नहीं दिख रहा है ना, तो एक दो महीने बाद चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखेगा। पीछे में गए थे सुबह से दातुन अतुन कर रहे थे, इधर जब जाते हैं तो थोड़ा मस्ती वस्ती भी कर लेते हैं, क्योंकि इधर का एरिया बहुत अच्छा लगता है यार और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ये रहा अपना घर, तो अभी चलते हैं खाना पीना खाते हैं। और पहलवान भाई के पास फ़ोन किए थे तो चौराहे पर जाना है एक घोड़ी लेने। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि घड़िया का करे के ले नहीं ले सवा, भाई घोड़ी स्टाफ वॉच लगाने के लिए लूँगा, क्योंकि अच्छे से अपना रनिंग बनाना है, ठीक है ना। और आप लोगों को भी अपना अच्छे से रनिंग बनाना है, क्योंकि जो लिस्ट में नाम आया है ना, बहुत सारे लड़कों का नाम आया है भाई, अगर दौड़ हार्ड कराया जाएगा तो जितने लोगों का ज़्यादा नंबर रहेगा वो लोग दौड़ भी नहीं मार पाएंगे। लेकिन हम लोग को दौड़ मारना है, निगेटिव थिंकिंग दिमाग में नहीं लाना है। जब मेरा कोई भी अच्छा काम होता है तो मैं यहाँ पर ज़रूर आता हूँ। ये सती माता जी का स्थान है और हमारे गाँव में ही पड़ता है, हमारे घर से 500 मीटर दूर पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आकर बोलता हूँ हे माता जी हमको भर्ती करा दीजिए, हे माता जी हमको इंडियन आर्मी का दौड़ निकलवा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा यहाँ पर आते रहता हूँ, यहाँ पर आने से दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, अंदर एक तसल्ली मिलती है। सबका अपना अपना रीति रिवाज होता है भाई, अब कोई भाई पूजा पाठ करते होंगे, कोई नहीं करते होंगे, तो मैं भी मतलब ज़्यादा पूजा पाठ तो नहीं करता हूँ, लेकिन जिनको भी मानता हूँ दिल से मानता हूँ, और मैं जो मांगता हूँ वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। वैसे किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग हमारे सब्सक्राइबर हो। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ कि मैं जिस टारगेट के लिए लगा हूँ उस टारगेट से मेरा ध्यान ना भटके, उसी टारगेट में लगा रहे। पूजा पाठ हो चुका है भाई, कुछ लोग इस बात को लेकर मजा भी ले सकते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वही बता रहा हूँ। देखो यार सबका अपना अपना तरीका होता है, मेरा भी अपना एक तरीका होता है। अपना खाना पीना हो चुका है और आज मैं आप लोगों को कुछ गुपचुप वाला बात बताने वाला हूँ, जो मैं आप लोगों को कभी नहीं बताया था भाई, वो गुपचुप वाला बात आज आप लोग देख ही लो भाई। देखो जब तक मेरा अग्निवीर का पेपर नहीं हुआ था तब तक मैं किस तरह से टाइम रहा था, मतलब वीडियो भी बनाना पड़ता था, पढ़ाई भी करना पड़ता था और आराम भी करना पड़ता था, तो सारी चीजें टाइम टेबल के हिसाब से मैं करता था, नहीं तो टाइम मेजरमेंट हो ही नहीं पाता। मतलब सुबह 5 बजे से लेकर और शाम देखो 10:30 बजे तक मैं ऑनलाइन क्लास करता था, जैसे बीच बीच में बहुत ज्यादा रेस्ट लेता था, वीडियो बनाने का मतलब कौन सा टाइम है वो सारी चीजें मैं यहाँ पर लिख कर रखा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं ना भाई तू सिर्फ वीडियो बनाते रहता है क्या, तो भाई देखो सारी चीजों के लिए मेरे पास टाइम है, ठीक है ना। इस टाइम टेबल को उजाड़ कर फेंकेंगे और यहाँ पर दूसरा टाइम टेबल लगाएंगे, उसमें यह भी रहेगा कि कितने बजे दौड़ने जाना है, सारी चीजें टाइम टेबल के हिसाब से होगा तो सही रहेगा। और हो सके तो आप लोग भी ऐसे ही करना, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा टाइम बचता है, जब 12 घंटे का हिसाब आप लोग लोगे ना अपने आप से तो भाई बहुत ज्यादा टाइम बचेगा यार, बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। अब देखो गांव के लड़के जल्दी मतलब कर नहीं पाते हैं, लेकिन आपके अंदर पागलपन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, अपने दिमाग को समझा कर रखोगे तभी सही रहेगा, नहीं तो ये दिमाग का बहुत खतरनाक है। ये कहता है कि हई कले हऊ कले, हम बोलते हैं कि चुप रहो नहीं तो मारो बहुत मार, इसको समझा कर रखते हैं, बोलते हैं चुप पहले टाइम टेबल देख, जो काम है वही करना चाहिए, बहुत ज्यादा समझा कर रखता हूँ। तगड़ा वाला धूप हो गया यार, अभी हम लोग घड़ी के दुकान पर आ चुके हैं, ये रहा घड़ी का दुकान और ये स्टॉप वॉच वाला घड़ी है, तो कौन वाला घड़ी लिया जाए पहलवान भाई? कौन वाला? ये वाला ठीक है, 200 रुपया देंगे, ठीक है ना।
अरे 200 रुपया ले लीजिए। वैसे जो भी सामान लेना था सारी चीजें ले चुका हूँ। देखो काफी दिनों से रनिंग नहीं कर रहा था ना, तो अपना रनिंग किट भी नहीं था, तो पहले रनिंग किट लिया हूँ, उसके बाद से एक स्टॉप वॉच लिया हूँ, ये लेना बहुत जरूरी था। उसके बाद से देखो बहुत सारे लोग डाइट के बारे में पूछते रहते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग ये नहीं सोचना नीलेश भाई जो भी करता है हम लोगों को दिखाता है, भाई इससे काफी सारे लोगों को मदद भी मिल सकता है, कुछ आइडिया भी मिल सकता है। बहुत सारे लोग हम लोग के डाइट के बारे में पूछते रहते हैं ना, तो गांव वाले बंदे देखो इसमें भेली है और इसमें चना है और ये रहा बादाम, तो इसके अलावा दूसरा कुछ डाइट नहीं लेते हैं, चना भेली और बादाम, ठीक है ना। आज आप लोगों को डाइट भी दिखा दिया हूँ, आराम करते हैं उसके बाद से ग्राउंड पर चला जाएगा। आज ग्राउंड का पहला दिन है, देखते हैं कितने लोग दौड़ने आ रहे हैं। वैसे काफी सारे लोगों का अग्निवीर में पेपर निकला है ना, तो हो सकता है वे सभी लोग दौड़ने आएंगे अभी, मतलब दो चार लोग। ज्यादा खुशी हो रही है यार कि फिर से दोबारा ग्राउंड पर जाने का मौका मिला है और फिर से अपना वही पहलवान है और फिर से अपना R15 अभी नीचे इंतजार कर रही है। तो चलते हैं अपने R15 को लेते हैं और चलते हैं ग्राउंड पर। R15 का हाल देखो, इसमें हवा भी नहीं होगा यार, देख लेते हैं। इसमें तो थोड़ा बहुत हवा है लेकिन इसमें देख लेते हैं, इसमें तो बिल्कुल भी हवा नहीं है भाई। काफी दिनों से ग्राउंड पर नहीं जा रहे थे, तो R15 का हाल देखो वैसे पड़ा हुआ है। अब इसको मैं कल बनवाऊंगा। इधर देखो दोनों भैंस खाने में लगी हैं, इधर देखो अपना खाना बनने का तैयारी हो रहा है। इधर माता जी अभी पता नहीं चावल और देख रही हैं। तो कितने लोगों के घर में इस तरह से होता है कमेंट करके जरूर बताना। और देखो पूरा चूल उल भी बढ़िया से लिपा पोता गया है, अभी रात में बारिश आया था ना, तो ये जो छान है ये उधिया कर उधर चला गया था, इसलिए छान के ऊपर देखो बहुत सारा बोझा रखा गया है। तो ये अपना हालात है। अभी चलते हैं इधर का ये वाला R15 लेते हैं, आज ये वाला R15 लेकर जाएंगे। ये बड़े पापा का R15 है। भर्ती देखने जाते हैं तो स्टेशन पर सोने का काम आता है, तो काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और साइकिल से ग्राउंड पर जाने की खुशी एक तरफ। जब भी ग्राउंड पर इस तरह से जाते हैं ना, बहुत आनंद मिलता है यार, बहुत मजा आता है। देखो ये रहा अपनी गांव के सड़कें, इधर एक लड़का है जो कोचिंग अपना पहलवान भाई काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और पहलवान भाई जय हिंद। और बताओ चला जाए? हाँ। रहा है काफी दिनों बाद ग्राउंड, बहुत मजा आ रहा है। चलो ठीक है, देखो पहलवान भाई का बॉडी अभी भी उसी तरह है। ये रहा इसका R15। अरे R15 का हवा हवा नहीं निकला था क्या? अच्छा डेली डेली चलता है और पूरा जूता उता चढ़ा लिए, खतरनाक लग रहे हो। वाले रुतबा में हम लोग आ चुके हैं भाई। देखो पहले जैसा अपना R15 उठा लिया है और अभी ग्राउंड पर चल रहे हैं। वैसे ग्राउंड पर चला जाएगा रोड पर ही? रोड पर ही। तो अभी आज हम लोग रोड पर ही चलेंगे और आज 1600 मीटर नहीं लगाएंगे। और आप लोग भी अभी दौड़ का शुरुआत कर रहे हो ना, तो 1600 मीटर नहीं लगाने लग रहा, अभी कम से कम 10 से 15 दिन 5 किलोमीटर दौड़ना है। और हम लोग भी आज 5 से 8 किलोमीटर जाएंगे और टाइमिंग भी आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। ये रहा अपना अड्डा, यहीं पर अपना R15 रखेगा, यहीं पर अपना R15 रखते थे और आज भी वहीं पर रखे हैं। तो बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है भाई, रोज रोज इतना ज़्यादा सुकून नहीं मिलेगा। अभी पहला दिन है ना, इसलिए काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रहा है। ग्राउंड का हुलिया तो चेंज ही हो गया है, पहलवान भाई मारो नहीं, ठीक है ना। यहाँ का भी हुलिया चेंज कर दिया सब, ये पेड़वा कान का है काट दिया सब। यार मुझे बहुत गुस्सा लग रहा है, यहाँ थोड़ा बहुत छाव रहता था, मतलब ग्राउंड पर पूरा जुआ ताश खेल रहा है सब, ग्राउंड का हुलिया बदल दिया सब और इधर पेड़वा काट दिया सब। यहाँ देखो हम लोग का साइकिल इतना धूप में पड़ा हुआ है और हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे, तो ये अच्छा नहीं हुआ है। आधे घंटे समाप्त होगा यार। देखो 6-7 लोगों का इंडियन आर्मी का पेपर निकला है लेकिन अभी तक कोई दौड़ने वाला बंदा दिखा ही नहीं है। हमारा ग्राउंड खराब है तो दौड़ने वाले बंदे तो रोड पर ही आएंगे और जब रोड पर आएंगे तो इसी रोड पर आएंगे, लेकिन अभी तक कोई देखने को नहीं मिला है। जितना टाइम बोले थे उतना टाइम समाप्त हो गया है। अपने साथ अब रनिंग करेगा, कोई रनिंग करने नहीं आया है तो अपना दोस्त ही अपने साथ रनिंग करेगा। चलो पहलवान भाई तैयार हो जाओ। हम लोग को दौड़ने के बाद कुछ और लोग दौड़ने आए, अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा बचा है लेकिन हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी हम लोग दौड़ लेते हैं। पाँच किलोमीटर का दौड़ समाप्त हो गया भाई, आज पहला दिन था ना, जैसे लग रहा है कि अंदर जो कुछ भी है सारा चीज़ बाहर निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रहा है यार, पूरा का पूरा थूक जम जा रहा है और सीने में जैसे लग रहा है कि सांस लेना ही नहीं बन रहा है। आप लोगों को टाइमिंग बताने वाला था तो आप लोग खुद टाइमिंग देख लो, 24 मिनट 24 सेकंड और 46 माइक्रो सेकंड लगा है। ये फेक नहीं बता रहा हूँ, रियल है भाई। पहले जब हम लोग दौड़ने आते थे ना तो कभी इतना टाइम नहीं लगता था, एकदम आराम से दौड़ने जाते थे, तभी भी 20-22 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ देते थे। लेकिन आज देखो 24 मिनट लगा है, वो भी इतना ज़्यादा हालत ख़राब है ना, जैसे लग रहा है कि ज़िंदगी में कभी दौड़े नहीं किए थे। सूर्यास्त होने वाला है, उधर सूर्य भगवान डूबने वाले हैं और अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है।
निकल गया है। चलो दौड़ो दौड़ो, अभी कितने लोग आते हैं। एक भैंस आ गई यार, पहलवान भाई से प्यार कर रही है। पहलवान भाई से बार बार उसके पास जा रही है। आपका नजारा देखकर दिल खुश हो जाता है, इतना ज्यादा भैंस गोरु है सब। हर इन्हीं भैंस गोरु में अपना पहलवान भाई भी एक है। निहुर के छुआ हम छुआ ली बाबा। देखो पहलवान भाई बार बार एक्सरसाइज कर रहा है, ये भैंसिया बार बार आ जा रही है। पता नहीं पहलवान भाई से क्या चाह रही है यार। पहलवान भाई ने क्या देख लिया है, भैंस उसका पीछा छोड़ी नहीं रही है। समाप्त हो गया भाई, अभी ये पहला दिन था इसलिए ऊंट मुंह सब सूख जा रहा था, बहुत ज्यादा हालत खराब हो गया है। लेकिन अब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, धीरे धीरे जब आदत बन जाएगा ना तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा।